वड़क्कम बनारस। ज्यादा कुछ तो नहीं सीख पाई तमिल में, बस नमस्कार ही करना सीखा। वैसे भी हमारी फीलिंग्स की कोई भाषा नहीं होती, ये तो खुद ब खुद बिना बोले ही महसूस की जाती है। फिर चाहे आप कोई भी भाषा बोलते हो, सामने वाला आपकी हर बात समझ जाता है। पिछले एक महीने में हमारे तमिल भाई बहन काशी में आके काशी वासियों का स्वागत और प्यार पाके बहुत ही सुखद अनुभव लेके जा रहे हैं, और इसमें भाषा कोई बैरियर नहीं बन रही। 16 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया था, उसका यशोपूर्ण समापन आज होने जा रहा है। काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन कितना सुखद एहसास कराते हैं ना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इस आयोजन का उद्घाटन किया था तो उन्होंने हमें ये संदेश दिया कि हम भाषा के आधार पर भेदभाव दूर करें और भावनात्मक एकता को मजबूत करें। उन्होंने ये भी कहा था कि संगमों का हमारे देश में अत्यधिक महत्व है, वो संगम चाहे नदियों का हो या ज्ञान और विचारों का। वैसे भी आज का ये समापन समापन नहीं बल्कि भारत के गौरवपूर्ण सांस्कृतिक विरासत से देशवासियों का परिचय कराने की यात्रा का आरंभ ही है। जब हम इस आयोजन की नब्ज टटोलेंगे ना और खुद को इसकी आत्मा से जोड़ेंगे तो पाएंगे कि इस तरह के आयोजन संस्कृति और सभ्यता के कालजयी केंद्रों के संगमम के सहारे देश की एकता की डोर को और मजबूत करते हैं। जैसे दक्षिण भारत के महान संतों, विद्वानों और कवियों के भारतीय दर्शन को समझे बिना भारत को नहीं जाना जा सकता, ठीक वैसे ही दिव्य काशी के संस्कार को समझे बिना आत्मा भारत की जो आत्मा है ना वो अपूर्ण है। आज काशी तमिल संगमम के समापन के दिन क्यों ना हम भी उत्तर और दक्षिण के संगम के इस ऐतिहासिक महोत्सव पर बात करें। आज के शो में तो मेरे यानी शिखा के साथ बने रहिए और बातें करेंगे काशी तमिल संगमम पर। एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी बताऊंगी आपको काशी तमिल इतिहास से जुड़ी हुई। उससे पहले थोड़ा म्यूजिक हो जाए, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। 7:06 हो चुके हैं, शो चल रहा है गुड मॉर्निंग बनारस, और आज हम बात कर रहे हैं काशी तमिल संगमम पर। उत्तर और दक्षिण का ये संगम हिंदी और तमिल बोलने वाले हमारे देशवासियों के मेल मिलाप को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा महोत्सव तो है ही, साथ ही तमिलनाडु से काशी का जो सभ्यता से जुड़ाव है, दोनों सभ्यताओं में जो सिमिलैरिटी है उसकी जानकारी आज के यूथ तक पहुंचाना भी इसका एक उद्देश्य है। अब देखिए ना, इस संगम का केंद्र बना हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहां पूरे देश से यूथ आते हैं। यही युवा हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को जब अच्छे से समझेंगे तो देश को आगे भी यही ले जाएंगे। बनारस में आज भी तमिलनाडु के लोग रहते हैं, और तमिलनाडु में तो कई मंदिरों और नगरों के नाम भी दिव्य काशी पर ही है। आजादी के अमृतकाल में देशवासियों की एकता को प्रदर्शित करने वाला ये आयोजन ये दिखाता है कि हम भले ही अलग अलग भाषाएं बोलते हों, अलग अलग कल्चर से हों, लेकिन जब मिलते हैं तो बनारसी वड़क्कम बोलते हैं और तमिल भी सुर में सुर मिला के हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे गाते हैं। काशी आज अपने दिव्यतम स्वरूप में एक अलौकिक ऊर्जा से सबको निहाल कर रही है, जिसे देखने देश ही नहीं विदेशों से भी लोग खींचे चले आ रहे हैं। वहीं तमिलनाडु दक्षिण काशी को खुद में समेटे हुए और महान संत तिरुवल्लुवर रामानुजाचार्य से लेकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्व की महानताओं के बल पर पूरे विश्व को आगे बढ़ाने की राह दिखा रहा है। आदिगुरु शंकराचार्य ने भी श्रृंगेरी मठ की स्थापना के लिए महान तमिल नगरी को ही चुना था। तमिलनाडु में भी एक काशी है, और इस काशी से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए जानते हैं क्या है ये स्टोरी। पंद्रहवीं शताब्दी में मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा पराक्रमन पांड्या भगवान शिव का एक मंदिर बनाना चाहते थे। उन्होंने शिव मंदिर में शिवलिंग स्थापित करने के लिए काशी की यात्रा की। काशी से शिवलिंग वापस लाते समय राजा एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। कहा जाता है कि कुछ देर बाद जब वो आगे बढ़े और उनको जब चलने को हुए तो गाय जो शिवलिंग को लेकर चल रही थी उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। राजा पांड्या ने बहुत कोशिश की पर गाय तो टस से मस नहीं हुई। इसके बाद राजा ने इसे भगवान शिव की मर्जी मानकर उस शिवलिंग को उसी जगह स्थापित करा दिया।
इसके बाद वो जगह शिवकाशी के नाम से पहचानी गई। ये जगह आज तमिलनाडु के खास जगहों में से एक है। उन दिनों जो भक्त काशी नहीं जा सकते थे, उनके लिए पांडवों ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण तमिलनाडु में कराया। ये आज तेनकासी के नाम से पहचाना जाता है। ये जगह केरल के साथ तमिलनाडु की सीमा के करीब है। तो आप भी अब प्लान कर ही डालिए दक्षिण की इस काशी के दर्शन को। और क्या भाई, पहले भले ही आसान नहीं था दक्षिण काशी के दर्शन करना, लेकिन अब तो काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस भी हाजिर है, जिसने हमारी दक्षिण यात्रा को और भी सुगम बना दिया है। तो निकल पड़िए दक्षिण भारत को और खास तौर पर तमिलनाडु को एक्सप्लोर करने। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के सभ्यताओं के संगमम के आयोजन से एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है ना, वो पूरा होता दिख रहा है। तो बनारस, आज आप भी इस आयोजन के समापन या यूं कहें कि उत्तर दक्षिण के संगम की अनोखी यात्रा के आरंभ का साक्षी बनने को तैयार रहे, जिससे हमारे तमिल भाई बहन या किसी भी देश और भाषा के लोग काशी से एक सुखद अनुभव लेकर जाएं और बार बार यहाँ आना चाहे, है ना। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं शहर बनारस का हाल चाल। गृह मंत्री अमित शाह 16 दिसंबर यानी आज वाराणसी आएंगे। वे यहां काशी तमिल संगम के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। महीने भर से चल रहे काशी तमिल संगम का समापन आज बीएचयू के एम्फी थिएटर के मैदान में होगा। समापन समारोह में तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशोर रेड्डी और सीएम योगी भी शामिल होंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आने वाले समय में विदेशी छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में पढ़ते नजर आएंगे। विश्वविद्यालय ने विदेश से यहां आकर पढ़ने के इच्छुक छात्र छात्राओं को लेकर अहम निर्णय लिया है। इसके लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने पर विदेशी छात्र छात्राओं को विशेष रियायत दी जाएगी। नए साल में वाराणसी से लखनऊ का सफर सुगम होने वाला है। अब इस रूट पर सफर में यात्रियों का 4-5 घंटे समय बचेगा। वाराणसी रोडवेज के बेड़े में राजधानी एक्सप्रेस बसें आने वाली हैं। वाराणसी और लखनऊ के बीच अब नॉनस्टॉप बसों का परिचालन किया जाएगा। वाराणसी जोन के सभी 6 जिलों से लखनऊ के लिए हर समय बसें चलाई जाएंगी। वाराणसी एयरपोर्ट से भी रोडवेज बसों का परिचालन किया जाएगा। टूरिस्ट की सुविधा के लिए एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क और टिकट काउंटर भी खोला जाना है। साथ ही रोडवेज प्रबंधन ने ग्रामीण रूटों पर इलेक्ट्रॉनिक बसों को चलाने का भी निर्णय लिया है। मतलब भैया, अब बनारस स्मार्ट सिटी बनने की ओर एक और कदम ले चुका है। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं इतिहास में आज का दिन क्यों है खास। आज की तारीख यानी 16 दिसंबर होता है भारत का विजय दिवस। विजय दिवस भारत में हर साल 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर देश की जीत को लेकर मनाया जाता है। इसी युद्ध में भारत की जीत के बाद बांग्लादेश बना था। भारत की इस ऐतिहासिक जीत में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल नियाजी के कुल 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण भी था। आज के दिन को बांग्लादेश मुक्ति दिवस भी कहा जाता है। 2014 में पाकिस्तान में पेशावर में एक स्कूल में आतंकवादी हमले में 145 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। 2008 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण को गठित चड्ढा समिति की संस्तुतियों को केंद्र सरकार ने मंजूर किया था। 2004 में दूरदर्शन की फ्री टू एयर डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट प्लस का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। 1994 में पलाउ संयुक्त राष्ट्र का 150वां सदस्य बना था। 1993 में नई दिल्ली में सभी के लिए शिक्षा सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। 1991 में कजाकिस्तान ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की। 1951 में हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय की स्थापना की गई। 1962 में नेपाल ने संविधान को अपनाया था। आज ही के दिन, आज के दिन जन्मे खास लोगों के बारे में जान लेते हैं। 1959 में एचडी कुमार स्वामी, जो पॉपुलर पॉलिटिशियन भी हैं, जन्मे थे आज के दिन। भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक हवा सिंह 1937 में जन्मे थे। भारतीय राजनीतिज्ञ ज्ञान सिंह रानेवाला 1901 में जन्मे थे। 1879 में भारत के प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी का जन्म हुआ था आज के दिन। और रामकृष्ण मिशन के दूसरे संघ अध्यक्ष स्वामी शिवानंद का भी जन्मदिन पड़ता है आज के दिन, सन 1854 में। बात करें आज के दिन दुनिया को अलविदा कहने वालों की,
2002 में प्रसिद्ध भारतीय महिला कव्वाल शकीला बानो की मृत्यु हुई थी। 1977 में भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह और 1971 में परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने इस दुनिया को अलविदा कहा था आज ही के दिन। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप तो करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की नींव तक हिला देता है। टाइम हो चला है शो को वाइंड अप करने का। 7:20 पर होंगे समाचार। आपसे मैं फिर मिलूंगी मधुरिमा में। तब तक के लिए शिखा को दें इजाजत। नमस्कार।